नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ इस्ते कुमारी। वाराणसी से इमरान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लोक समिति और आशा ट्रस्ट के तत्वाधान में बुधवार को भीखमपुर चंदापुर असवारी गांव से आई सैकड़ों महिलाओं ने भीखमपुर बाजार में साक्षरता रैली निकालकर पूरे बाजार और गाँव का भ्रमण किया। रैली में लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ साक्षर भारत विकसित भारत, सब पढ़े सब बड़े, साक्षरता हमें जगाती है, शोषण से हमें बचाती है, साक्षरता ही श्रृंगार हमारा, वरना व्यर्थ है जीवन सारा, पढ़ी लिखी जब होगी माता घर की बनेगी भाग्य विधाता, शिक्षा है अनमोल रतन पढ़ाने का सब करो जतन, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उन्नत देश बनाएंगे, आदि नारों के साथ पूरे गाँव का भ्रमण किया। मौके पर किशोरी संगठन की संयोजिका सोनी ने कहा कि मानव जीवन और विकास के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की और मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सोनी, सीमा, मैनब, बानो, बेबी, अनीता, सरोज, आशा, आरती, पूजा, मंजीता, अंजलि, काजल, रोशनी, सोनम, ग्रामीण महिला पुरुष सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल थे। रैली का नेतृत्व सोनी अध्यक्षता, सीमा स्वागत, मैनब, बानो और धन्यवाद बेबी पटेल ने किया। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.